निर्दयी दास के कथा। एक दिन पतरस हर यीशु ले पूछिस, हे गुरु, जब मोर भाई मोर विरुद्ध पाप करथे तो मोला अपन भाई ला के घां ले माफ करे बर होही? का सात घां तक? यीशु हर कहिस, सात घां नी लेकिन 70 घां। इकर द्वारा यीशु के मतलब इहर रहिस कि हमन ला हमेशा माफ करे के चाही। तहां यीशु हर ई कथा बताइस। यीशु हर कहिस, परमेश्वर के राज ई प्रकार ले हे। एक ठन राजा अपन दास मन ले लेखा ले बर चाहत रही। ओकर एक दास भारी मात्रा के धन के कर्जदार रही, लेकिन उ दास अपन कर्जा ला चुका नहीं पाइस। इकर खातिर राजा हर कहिस, इकर कर्जा चुकाए बर ई मनसे ला और इकर परिवार ला गुलाम मन के जैसन बेच द। उ दास हर राजा के आगू अपन घुटना मा गिर के कहिस, कृपया मोर संग धीरज धर और मैं अपन कर्जा के पूरा रकम ला चुका दी हूँ। राजा ला दास के ऊपर दया आईस। इकर बर ओहर ओकर सब कर्जा ला माफ कर दीस और ओला जाय दीस। लेकिन जब उ दास राजा ठीले बाहर गीस तो ओला ओकर एक झन संगवारी दास मिलिस, जोन ओकर थोड़ कुन धन के कर्जदार रहिस। उ दास हर अपन संगवारी दास ला पकड़ लीस और कहिस, जोन तोर ऊपर मोर कर्जा है मोला दे। उ संगवारी दास हर घुटना मा गिर के कहिस, कृपया मोर संग धीरज राख और मैं अपन कर्जा के पूरा रकम ला चुका दी हूँ। लेकिन इकर बजाय उ दास हर अपन संगवारी दास ला जेल खाना मा डार दीस, जब तक कि ओहर उ कर्जा ला चुका नहीं दीही। कुछ आने दास मन जोन कुछ होए रहीस ओला देख के बनेच परेशान हो गिन। ओ मन राजा ठी गिन और ओला सब कुछ बता दिन। राजा हर उ दास ला बला के कहिस, हे दुष्ट दास, मैं तोर कर्जा ला इकर बर माफ करे रहे, काबर के ते हर मोर ले बिनती करे रहे, तोला घोले उसनेच करे बर रहीस। तहां राजा अतकी रिसा हो गिस कि ओहर उ दुष्ट दास ला जेल खाना मा डार दिस, जब तक कि ओहर अपन सारा कर्जा वापिस नहीं करिस। तहां यीशु हर कहिस, अगर तुमन अपन भाई ला अपन हृदय ले क्षमा नहीं करी हा, तो मोर स्वर्गीय पिता तुम्हार संग होले ऐसनेच करही। मती अध्याय 18:21-35 ले बाइबिल के एक ठन कथा।